रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वह। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शिव जी की पांच लड़कियां, ऊपर एक लड़की शंकर भगवान की छठे नंबर की अशोक सुंदरी, उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश षडानंद कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज, ये बेलपत्र की जो डंडी है इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए, ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर पांचों कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए, ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो, आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये तीन रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार 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 बंद हो रहा है शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। ठीक है, क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो, और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर पांच दिए इन तिथियों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है उसमें ये सात तिथियों पर जो पांच दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर